इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है? पहला इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉरोजन, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, रस्टिंग। रस्ट कैसे लगता है? जब Fe हमने क्या लिया, एक आयरन लिया, ठीक है, आयरन हो गया, मेटल हो गया कोई भी, कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करेगा, 2XH2O के साथ, वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, मीन्स क्या होता है उसको, रस्ट बोलते हैं। Fe2O3.XH2O फॉर्म होगा। अब देखो वहाँ पे क्या लिखा गया, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड मतलब जो आयरन पे चार्ज होगा, Fe पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, Fe3+ वाला चार्ज होगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड दैट इज रस्ट। रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब कभी भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, वाटर भी होगा, या वाटर की प्रेजेंस में आयरन कॉन्टैक्ट में आता है तो रस्ट का फॉर्मेशन करता है। रस्ट के फॉर्मेशन से हमारे मेटेलिक सब्सटेंस वीक हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं, ठीक है। रस्टिंग देखोगे एक टाइम बाद लग जाता है, अगर वो कंटिन्यूस में वाटर उसको मिल रहा है, वाटर मिलेगा तो क्या फॉर्म करेगा, रस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है रस्ट का फॉर्मूला, Fe2O3.XH2O। नेक्स्ट एक्स में देखते हैं, अगला प्रोसेस होता है, सेकेंड हमारा इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी फूड पॉइजनिंग जानते होगे आप लोग, तो रेंसिडिटी टर्म वहीं से आया है, फूड पॉइजनिंग से ही। जो अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है खानों में एक टाइम के बाद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल समझना, हम लोग गए पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टी में गए रात में, अच्छा सा डिश बना था पनीर, ठीक है, पनीर बनी हुई थी, लेके आए उसको सुबह फ्रिज में रख दिए, फिर उसके बाद हमने यूज़ करके खा लिया। अगर हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा फिर भी हम सुबह खाने बैठेंगे तो वहाँ से कौन सी स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। कौन सी स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। अनप्लीजेंट स्मेल क्यों आई, क्योंकि वो खाना काफ़ी देर तक खुला कॉन्टैक्ट में था, मतलब काफ़ी देर तक एयर के कॉन्टैक्ट में था। जब वो काफ़ी देर तक एयर के कॉन्टैक्ट में रहेगा या ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फूड जो होगा वो स्पॉइल करना स्टार्ट कर देगा, उस पर बैक्टीरिया फंगस अटैक करना शुरू कर देंगे, इसलिए वो फूड खराब हो गया। अब इससे बचा कैसे जाए, बचने का तरीका भी है। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड क्या है, एडिंग, उसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन से हमको बचाना है, ऑक्सीडेशन से हमारा फूड खराब हो रहा है तो एंटी ऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर दे, क्या कर दे, एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट ला करके मिला दोगे तो फूड खराब नहीं होगा। एंटी ऑक्सीडेंट कौन सा हो गया, BHA मिला दो, BHT मिला दो, अब BHA BHT क्या बोल दिए सर, BHA मिला दो, केमिकल से BHT मिला दो। BHA क्या होता है, ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, फुल फॉर्म देख लो याद रखना, ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT क्या होता है, ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। मीन्स अगर ये उसमें मिक्स रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अटैक नहीं हो पाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा वहाँ पे तो एडिशन नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन, जब ऑक्सीडेशन ऐड नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड हमारा स्पॉयल नहीं करेगा। दूसरा, अगर मान लो हमको ये नहीं मिला, BHA और BHT नहीं मिला एंटी ऑक्सीडेंट, तो क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस देखते क्या करेंगे, तो क्या करना, तुरंत खा लेना खाना, क्यों रखना ही नहीं बात के लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बन गए तो कैसे रखोगे। देखो दूसरा प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, उसको हम लोग पैक कर देंगे, सिर्फ फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन के साथ पैकिंग कर देंगे, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर मिक्स कर देंगे और टाइटली पैक कर देंगे जिसमें उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बचा रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल चिप्स, अंकल चिप्स खाते हैं हम लोग, अंकल चिप्स पैकेट में क्या होता है, पैकेट खुले रहती है, अंदर थोड़ा सा रहता है, क्यों, पैकेट के अंदर क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस मिक्स रहती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रहती है जो क्या करता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो अब समझ गए ना, उसके अंदर पैकेट के फुली रहती है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिक्स रहती है। जितने भी पैकेट में खाने वाली चीज़ें आती हैं, पोटैटो चिप्स कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है। थर्ड देते हैं कौन सा है, इसको हम लोग एक तरीके से और प्रिवेंट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करेंगे, उसमें उसको रख देंगे तो वो चीज़ खराब नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है।
फोर्थ, ठंडी में देखो जल्दी खाना स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। वही सेम कंडीशन लोग गर्मियों में फ्रिज में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, रेसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो एडिशन नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है? बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा, उसमें जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था वही रहेगा, तो स्पॉइल करेगा, जो खराब होने का चांस रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्या कर सकते हैं? लाइट से दूर रखेंगे उसको, ठीक है? किससे दूर रखेंगे? लाइट से, सन रेज उसमें पड़ने नहीं देंगे जल्दी, ठीक है? लाइट से क्यों दूर रखेंगे? क्योंकि लाइट से जो ऑक्सीडेशन का रेट होता है या ऑक्सीजन का रेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? इसलिए उसको हम लोग डार्क एरिया में रखेंगे तो वो स्पॉयल नहीं।